पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पायलट ने ये कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक सोच और निर्णय लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति से 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रखी। आज के दिन उनके द्वारा दिए गए योगदान और बलिदान को देशवासी याद करते हैं। साथ ही पायलट ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार पार्टी ने तय किया है कि विज्ञापन का पैसा महामारी से बचाव और श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाने में खर्च किया जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, भारत रत्न, उनकी पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है, हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। राजीव गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन था बहुत कम था, लेकिन उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और 21वीं शताब्दी के लिए देश की जनता को तैयार किया। हम सब उनके योगदान को आज स्मरण करते हैं, याद करते हैं। योगदान भी दिया, बलिदान भी दिया और एक ऐसी परंपरा बनाई जो मैं समझता हूँ बहुत आगे तक हम लोगों को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। हम सभी कांग्रेस जन और सभी नौजवान और सब देश के लोग आज उनको बहुत भावभीन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे राजीव जी के साथ में मिलने का भी मौका मिला, उनकी टीम में काम करने का भी मौका मिला, उनसे मुझे एक दो बार शाबाशी भी मिली अच्छे काम के लिए। राजीव जी एक अद्भुत नेता थे, जमीन से की हकीकत से वाकिफ थे, कहाँ लोगों में अन्याय होता है, कहाँ भ्रष्टाचार होता है, इस पर वो चोट करते थे। पहली बार हिम्मत करके राजीव गांधी ऐसे नेता रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजीव गांधी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने देश को एक नई क्रांति भी दी। कंप्यूटर क्रांति कहें, मोबाइल क्रांति कहें, जब लोग